पटना में सड़कों पर सन्नाटा छाया है, लेकिन पलायन करने वाले मजदूरों का हुजूम उमर पड़ा है। लॉकडाउन कानून की खुलेआम धजिया उड़ाई जा रही है। यह तस्वीर है पटना के पहाड़ी मोड़ की, जहां लॉकडाउन के बावजूद भी पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना जैसे महामारी से लड़कर कैसे जीता जा सकता है। कहां तक आए बस से? फिर गोरखपुर से? गोरखपुर से यहां पैदल आ रहे हैं? पैदल ट्रक साधन मिला, पैदल ट्रक से आ रहे हैं। तो जाना कहां है? जाना है लखीसराय। तो वहां काम करते थे, वहां क्यों नहीं रुके? चौराहे पर पुलिस वाला ने हम सब लोग के नाम भी लिख लिया था, एक पन्ना में लिख के दे भी दिए। बोला ठीक है, तुम लोग का खाना आएगा तो हम किसी में से एक का फोन कर देंगे, आकर दो तीन आदमी खाना ले लेना। सब लोग नहीं आना, दो तीन दिन बीत गया, फिर भी हम लोग के खाना नहीं मिला। तो हमने सोचा अब करें क्या, पैसा भी ना है, राशन कौन उधार देगा। उधर भी हम सोचे मिल जाता खाना, एक भी टाइम मिल जाता, तीन टाइम नहीं मिले, एक भी टाइम वो भी नहीं मिला। तो लास्ट में हम पता लगा कि ओपी में बस दो दिन के लिए चालू करा गया है, तो जो जहां फंसा है वो लोग चले जाए। हम सोचे अपना देश में भी चलता होगा, हम चल दिए। अब रास्ते में आके हम फंस गए, अपना देश में चल गए, इधर आ गए तो फंस गए। इसने सरकार की सारी दावों की पोल खोलकर रख दिया है। सरकार के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जा रही है, लेकिन हकीकत सामने है। गरीब मजदूर एवं बेरोजगारों के बीच लॉकडाउन में भूखमरी सबसे बड़ी समस्या बन गई है।